सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की 42 में से कम 23 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी कई बार यह दावा भी कर चुकी है कि इस बार वह राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को सबसे तगड़ी चुनौती देगी, लेकिन इसके उलट पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि हमारे पास राज्य में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ही नहीं है। दिलीप घोष के मुताबिक हमारे पास नेता और कार्यकर्ता हैं, वे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। हमने उनमें से कई लोगों को पंचायत और विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया, लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त उम्मीदवार नहीं है, खास तौर पर ऐसे उम्मीदवार जो मुकाबला कर सके और जीत सके। दिलीप घोष ने इन खबरों से इनकार किया है कि दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाने की कोशिशों के खिलाफ प्रदेश भाजपा में असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में असंतोष जैसी कोई बात नहीं है, अगर कोई हमारे पास आना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि अभी इसी गुरुवार को टीएमसी के असरदार विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजदीकियों में शुमार रहे अर्जुन सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं।